ओम नमः शिवाय। नमस्ते। जून महीने में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा 21 जून को, जो कि मिथुन राशि में पड़ेगा, और चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में पड़ेगा। इसके अलावा भी 6 ग्रह जो है हमारे वो वक्री स्थिति में हैं, और कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे जून के महीने में। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम देगा, किस तरीके का रिजल्ट लेके आएगा ग्रहण, उसके बारे में संक्षेप में बताना चाह रही हूँ। देखिए, 14 जून को सूर्य आपका जो लगन है अभी वहां पे बैठे हुए हैं, तो आपके लिए काफी वो सपोर्टिंग बने हुए थे और सूर्य के साथ में बैठे हुए थे, तो ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी थी। आपके कॉन्फिडेंस और आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत पॉजिटिव रही थी अभी तक। लेकिन जब ये सूर्य 14 जून को आपका लग्न स्थान छोड़कर अपने द्वितीय स्थान में जाएंगे, जहाँ पे पहले से राहु बैठे हुए हैं, तो यही वो टाइम रहेगा जबकि आपको विशेष रूप से अपने परिवार के ओर, अपने कुटुंब के ओर, अपने वाणी की ओर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि जो संभावना बन रही है वो ये है कि हो सकता है कि इस पीरियड में जो आने वाला टाइम है 21 जून से करीब 5 दिन पहले और 5 दिन बाद का जो टाइम है, जब आपके द्वितीय स्थान में सूर्य ग्रह जो है वो राहु केतु एक्सिस में आकर के जब वो ग्रहण में फंस जाएंगे, तो उस स्थिति में आपके दिमाग पे और आपके मन मस्तिष्क में कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा हो सकती हैं कि आप कोई धन से संबंधित कोई गलत निर्णय ले लें, या अपने परिवार में, घर के माहौल में, कुटुंब में जो आपका है वहाँ पे आपकी वाणी कुछ कड़वी तीखी हो जाए, जिससे घर का वातावरण बिगड़ने की संभावना बन सकती है। और दूसरा हो सकता है कि इस पीरियड में आप कोई ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड या कोई धन से संबंधित, कोई फाइनेंस से संबंधित कुछ नया आप करने की सोचें, तो अभी आप इस पीरियड में इस चीज़ों को अवॉइड करिएगा। ये टाइम आपके लिए अभी नहीं सही है। इसलिए नहीं सही है क्योंकि आपका भी जो शुक्र ग्रह है, ये 18 तारीख को जब अपने लग्न स्थान से निकल करके तृतीय स्थान में जाएंगे, आपके लग्न का लॉर्ड जो है जब वो धन स्थान पे जाएगा, तो वो वहाँ पे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका द्वितीय स्थान है वो आपका धन का स्थान है, और वहाँ पर अभी राहु बैठे हुए हैं, तो शुक्र राहु के साथ में आ जाएंगे और वो ग्रहण में आ रहे हैं, क्योंकि वहीं पे जो आपका तीसरा स्थान है वहीं पे 14 जून के बाद सूर्य भी आ जाएंगे। तो 14 जून के बाद आपके द्वितीय स्थान पे शुक्र और राहु और सूर्य एक साथ अपना परिणाम दिखाएंगे। तो इस पीरियड में आप एक तो अपने हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से सजग रहिएगा। हेल्थ को लेकर के आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और कोई भी जैसे अपनी फैमिली से रिलेटेड जो आपका आपकी मदर है, भूमि है, या कोई भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट है या कोई व्हीकल वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको लेकर के भी आप जून के महीने में कोई नई प्लानिंग मत करिएगा। विशेष रूप से ये करीब आप ये 16-17 जून से लेकर के करीब 26-27 जून तक का जो पीरियड रहेगा, इसमें आप कोई नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा वृषभ राशि वाले लोग। और इस पीरियड में आप अपनी वाणी को बहुत अच्छा बना के रखिएगा, जिससे घर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और किसी भी तरह का टेंशन का माहौल घर में ना पैदा होने पाए। क्योंकि ग्रहण है तो ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं, अपना ही रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि ऐसी स्थिति निर्मित होने की संभावना है, तो आप पहले से ही उसके लिए रेडी रहेंगे कि ऐसा कोई भी आपको रिएक्शन नहीं देना है। और इसके अलावा जो वृषभ राशि वाले लोग हैं उनके लिए हालांकि मंगल उनके लिए अभी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, करीब ही इनका जो 18 जून तक का टाइम है, ये आपके लिए आपके बिजनेस पार्टनर और आपके जो लाइफ पार्टनर है इनसे संबंधित आपको अच्छा परिणाम दे रहा है। और इसके बाद ये 18 जून के बाद ये चले जाएंगे मीन राशि में, तो वो पीरियड भी जो आपके लिए रहेगा एक तरह से वो आपके संतान पक्ष के लिए और जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और दूसरा ये रहेगा कि अभी आपके लिए इस महीने में शनि ग्रह का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है,
क्योंकि शनि और गुरु जो है, गुरु जरूर आपको थोड़ी सी अड़चन के साथ में सफलता देंगे, बाधाओं के साथ में वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएंगे, लेकिन सैटर्न इस पीरियड में आपको काफी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो भाग्यशो के उसी स्थान पे बैठे हुए हैं। तो वृषभ राशि वालों को भाग्य का इस महीने में काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन चूंकि चंद्र ग्रहण भी आ रहा है 5 जून को और वो आपके सप्तम स्थान में वो स्थिति निर्मित होगी, तो हालांकि सप्तम स्थान में जब ये ग्रहण बनेगा तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा अपने मानसिक नियंत्रण करके चलना रहेगा, विशेष रूप से अपने लाइफ पार्टनर के लिए और अपने जो आप बिजनेस पार्टनर हैं जिनके साथ में भी आपका बिजनेस डील वगैरह है, उनके साथ में आप थोड़ा सा संयम के साथ ही टाइम निकाल लीजिएगा। ये समय आपका रहेगा करीब 2-3 जून से लेकर के लगभग 9 या 10 जून तक का जो पीरियड रहेगा, उस पीरियड में आप अपने आप को बहुत कूल रखिएगा और कोई भी तरह का एग्रेशन या कोई भी आवेश में आकर के ना तो कोई निर्णय लीजिएगा ना ही आप कोई मेजर डिसीजन लीजिएगा। और स्पेशली जो प्रिकॉशन है वो आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के लिए रखनी है, और साथ साथ में आपको इस पीरियड में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ये जो पीरियड आपका है जून के महीने का, सिर्फ आपको 17-18 जून से लेकर के करीब 26-27 जून का जो पीरियड है वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के और इन चीजों को लेकर आपको काफी सजग रहना है, और माता के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना है विशेष रूप से, और अपने हेल्थ के प्रति भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। बाकी आपको जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वो कोई विशेष आपके लिए तकलीफ वाला नहीं रहेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण थोड़ा सा आपके ऊपर अपना असर दिखा सकता है, तो आप उस ओर सचेत रहिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए जून महीने में जो दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं उसका जो परिणाम है वो इस तरह है। आशा करती हूँ इससे आपको एक अपना मंथ प्लान करने में हेल्प मिलेगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।